एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा और ऑर्गेंजा फैब्रिक में बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग लेकर के आई हूँ। सो ये मैंने 2 से 3 साल के लिए बच्चे के लिए बनाया हुआ है। तो ये मैंने डबल लेयर में फुल अम्ब्रेला पैटर्न में ये फ्रॉक को कंप्लीट किया है बना के, और स्ट्रेप वाली ये हमारी फ्रॉक होगी। बहुत ही ईजी वे में आपको बताया है। होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर अपडेट आपको उसी से मिलेगी। सो अब से मेरे चैनल पर आपको डेली वीडियो देखने को मिलेगी इसी टाइम पे 3 बजे। सो चैनल के साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो बिना देरी के चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा मेजरमेंट है। अब सबसे पहले हम फ्रॉक का टॉप पार्ट को रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने सैटन फैब्रिक लिया हुआ है, और इसके साथ हमने सैंटून भी लिया हुआ है। इसकी लेंथ हमने 8 इंचेस रखी हुई है, और मेन फैब्रिक हमारा ऑर्गेंजा रहेगा। सैंटून की जगह में आप क्रेप और कॉटन अस्तर भी ले सकते हैं। अब यहाँ से हम शोल्डर 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, और यहाँ से नीचे हम मार्क करेंगे 2.5 इंच। ऊपर तो हमारा स्ट्रैप रहने वाला है, इसलिए आमोल के हम 2.5 इंच लेकर के यहाँ पे आमोल का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे बस्ट और वेस्ट का मार्किंग लेंगे हम। जितना आपका बस्ट है उसका 1/4 हिस्सा यहाँ पे मार्क कर लें। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ, और इस तरह से लाइन को मिला लेंगे। और एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे लगभग 1 इंच का हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। सब यहाँ पे सिर्फ हमें अपना आर्म होल जो हमने मार्क किया ना वो कट करना है। तो ये मैंने सैंतून पे कट किया है। अब यहाँ पे हमें ले लेना है सैटन फैब्रिक और हमारा ऑर्गेंजा फैब्रिक, तो उसे भी मैंने पीस में कट कर लिया है, ठीक है। तो अब हमें एक एक करके लेना है। ये देखिए सैटन का हमारा ये सीधा साइड है, ठीक है। इसके ऊपर हम अपने ऑर्गेंजा फैब्रिक को रखेंगे, ये भी इसका सीधा साइड है। और अब जो हमने सैंतून कट किया है ना, इसके ऊपर इस तरह से हम इसे रखे, अब इस पर सिलाई लगाएंगे जो हमने शेप में इसे आर्म होल और नेक का जो शेप है ना उसी शेप में। दोनों को एक बार हम सेट कर लेते हैं, और इसे सिलने से पहले हम स्ट्रैप रेडी करनी होगी। उसके लिए मैंने ऑर्गेंजा फैब्रिक का स्ट्रैप कट करके रखा है। 4 पीस हमने इसे कट किया है, और एक बार इसे हम पहले सेट कर लेते हैं। सो, इसकी लंबाई हमें 20 इंचेस रखनी है, ठीक है। और यहाँ मैंने 4 इंच चौड़ाई ली हुई है। तो हमें इसमें क्या करना है, एक पे अच्छे से पहले सेट कर लेते हैं और इसे 20 इंचेस का कट कर लेते हैं। एक साइड से हम इसे एक बार पहले कट करके सेट कर लेते हैं, और इस तरह से हम 20 इंच का मार्क करके यहाँ पे 20 इंच कट कर लेंगे। तो अब हम एक एक करके इसे रेडी करेंगे उल्टे साइड में इसे फोल्ड करके, मतलब सीधा साइड हमारा अंदर रहेगा, और इस तरह से एक साइड को हम सिलेंगे। और अब बिल्कुल इसे सीधा सिल लेना है। तो अब हम इसे यहाँ पे एक स्केल की हेल्प से इस तरह से सीधा कर लेते हैं, और इस पे ना मैं ऊपर से भी एक सिलाई लगा लूँगी ताकि अच्छे से बैठ जाए। तो ऐसे ही अपने चारों स्ट्रैप को रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने चारों स्ट्रैप को रेडी कर लिया है। अब टॉप को रेडी करते हैं। तो जिस तरह से हमने आपको बताया था ना बैठाना, यहाँ पे हम पहले सैटन रखेंगे, उसके ऊपर हम अपने ऑर्गेंजा फैब्रिक को रखेंगे, और अब जो हमने सैंतून पर कट लगाया वो रखेंगे, ठीक है। और स्टेप को एक एक करके हम यहाँ पे आर्म होल के पास मीन शोल्डर पे बैठा के स्टिच करेंगे। तो पहले आर्म होल को सिल लेते हैं, फिर हम यहाँ पे शोल्डर पे स्ट्रैप लगा के सिलेंगे। पहले यहाँ पे मैं 2-3 पिन लगा ले रही हूँ, और इसके बाद हम सिलाई लगाते हैं। यहाँ तक जब सिलाई आ जाए ना, तो अपने स्ट्रैप को लेना है, और यहाँ से सैंतून वाले फैब्रिक से यहाँ से निकालना है इसे, और बैठाते हुए अच्छे से एक बार सेट कर लीजिएगा और फिर सिलाई लगा लीजिएगा। दूसरे साइड को भी ऐसे ही हम अपने स्ट्रैप को लगा के सिलेंगे। तो इस तरह से सिल लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है।
और इस तरह से हमें छोटी छोटी कट लगानी है। इसमें कोन को कट कर लीजिए और इस तरह से कट लगाने के बाद अब अपने सेंटून फैब्रिक को इस तरह से पलट लीजिए। और अब हम ऊपर से इसे बैठाते हुए बिल्कुल साइड पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। टॉप पार्ट के हमने दोनों पीसेस को रेडी कर लिया है, ये देखिए। और अब हम इसे एक पे एक इस तरह से रखेंगे, सीधे साइड हमारा अंदर की ओर रहेगा और जो हमने फिटिंग की मापी ली थी ना उसी मापी पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सो इस तरह से सिलते हुए मैं इसमें फिनिशिंग के लिए क्या कर रही हूँ ना, साइड पे इसमें इंटरलॉक कर लूँगी। दूसरी साइड को भी ऐसे ही हमें सिल करके रेडी करना है। सो इस तरह से हमने टॉप पार्ट को रेडी कर लिया अपना फ्रॉक का। अब इसकी जो स्कर्ट है ना वो हम रेडी करेंगे। तो स्कर्ट के लिए हमने यहाँ सिर्फ अस्तर अपना सैटन वाला फैब्रिक लिया है, टोटल 28 इंचेस का स्क्वायर पीस हमने लिया है और इसे हम इस तरह से फोर फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि ये सैटन है तो थोड़ा खिसकेगा, इसलिए हम इसमें एक दो पिन कर लेंगे ताकि हमें मार्किंग करने में दिक्कत ना आए। सो अब हम अपने वेस्ट के लिए मार्क लगाएंगे 2.75 इंच पे। और इसकी लेंथ हमें रखनी है 10 इंचेस का, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेन्जा है ना वो हम 11 इंच रखने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फैब्रिक है अस्तर से एक या दो इंच आप ज़्यादा रखिएगा। तो इस तरह से हमें पूरे में 10 इंच पे मार्क लगा लेना है और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसी पे हम अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को रख करके कट करेंगे। तो वेस्ट की कटिंग कर लेनी है और लेंथ वाइज हमें इसे एक इंच लगभग और बढ़ा करके इस तरह से कट लगाना है। सो ये हमारा फर्स्ट लेयर है। सेकंड लेयर हम इसे थोड़ा सा कम रखने वाले हैं। तो सेकंड लेयर के लिए भी हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक को ले लेंगे। उसकी भी मैंने एक पीस कट कर ली है, स्क्वायर पीस। यहाँ पे ये हमने फोर फोल्ड करके रखा हुआ है। लेंथ और विथ वाइज लगभग ये 12 इंचेस का है और इसकी भी हम जो वेस्ट है ना वैसे ही रख करके कट कर लेंगे, बट इसका जो लेंथ है वो हम कम करेंगे। अब अपने फर्स्ट लेयर को हटा लेते हैं और इस लेयर में हम इसकी जो लेंथ है वो रखने वाले हैं 6.5 इंच। तो पूरे में हम 6.5 इंच पे इस तरह से मार्क लगाते हुए जाएंगे। और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। सो ये हमारा सेकंड लेयर कट हो चुका है। पिन को हटा लेते हैं और एक बार इसको फाइनल आपको दिखा देते हैं किस तरह से ये आएगा। सो सबसे पहले हमारा रहेगा साटिन वाला फैब्रिक, इसके ऊपर हम अपने फर्स्ट लेयर रखेंगे ऑर्गेन्जा के, और फिर जो हमारा सेकंड लेयर हमने कट किया है ना वो हम इसके ऊपर रखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, दोनों हमारे जो तीनों लेयर है तीनों में हमें पिको करना होगा। तो चलिए पहले पिको कर लेते हैं इस पर। तो इसी तरह से बाकी जो दो हमारा पीस है ना उसमें भी ऐसे ही हमें पिको कर लेना होगा। सो देखिए हमने इसमें पिको कर लिया है और अब हम वैसे ही अपने लेयर्स को बैठा लेंगे। वेस्ट को अच्छे से मिला करके इस तरह से हमें इसे बैठाना है और वेस्ट पे हम क्या करते हैं पहले पिनअप कर लेते हैं। और पिन लगाने के बाद इसे अच्छे से सेट करके एक बार वेस्ट पे हम सिलाई लगा लेंगे बैठाते हुए इसे।
तरह से इसमें हमने सिलाई लगा लिया है। और एक बार जब अगर सिलाई अगर टाइट होना तो इस तरह से चटका ज़रूर लीजिएगा सिलाई को। तो यहाँ हमने अपने स्कर्ट को भी कंप्लीट कर लिया, ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है टॉप के साथ। तो अब हम इसे अपने टॉप में इस तरह से सेट कर लेते हैं। इसके बाद हमें पूरे को अच्छे से मिलाते हुए गुलाई में सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ हमने इसे सिल लिया है और लगभग हमारा फ्रॉक बनकर रेडी है। इसमें अब हम बहुत ही प्यारा सा बटरफ्लाई पैटर्न में बो बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, ये देखिए दो दो पीस करके लिया है, एक छोटा लिया एक बड़ा लिया है। इसके लेंथ दोनों 5 इंचेस का रखा है, बट ये 7.5 इंचेस का है और ये टोटल 15 इंचेस का है। तो एक एक करके ना हमें इसमें इस तरह से फोर फोल्ड करके इसे हमें राउंड शेप नहीं देना है, मतलब हल्का सा साइड से हमें इसे कर्व शेप कट कर लेना है इस तरह से। दोनों को इसी तरह से हमने कट कर लिया है और अब हम इसे उल्टे साइड पे रख करके सिलाई कर लेंगे। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देंगे ताकि हम इसे सीधे साइड पे पलट सकें। तो पहले इसे सीधा करने से पहले हम इस तरह से कट लगा लेते हैं, फिर हम इसे सीधा कर लेंगे और जो मार्जिन हमने छोड़ा है ना उसे भी हम सिल के कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे वाले जो हमारा बो हमने बनाया है वो उसको भी हम इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। और दोनों का हमें सेंटर मार्क कर लेना है और दोनों का सेंटर को इस तरह से 1/2 इंच इस पर मिलाते हुए इसकी सिलाई लगानी है। अब हम इस पर छोटी छोटी प्लीट बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप रेडी की है। इस तरह से इसमें हम प्लीट्स बना करके ये जो स्ट्रेप है ना इसके ऊपर हम रखेंगे और इस पर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हम कट करके हटा लेंगे और जो सिलाई है ना इसे हम अंदर साइड पे पलट लेंगे। अब हमें अपने फ्रॉक को लेना है और फ्रॉक का फ्रंट में जो सेंटर है ना वो ले लेना है और इसे इस तरह से बैठाते हुए हमें सिलना है। तो मैं यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से इसकी यहाँ पे सिलाई लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रॉक है वो बन के रेडी हो चुका है। सो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।